हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रेखा मिश्रा और आज मैं आपको ये धोती साड़ी स्टाइल बताने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई साड़ी बॉर्डर वाली है तो उस पर ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। यंग वुमेन इसे कैरी कर सकती हैं किसी भी वेडिंग में, बहुत एलिगेंट और क्लासी लगता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड थोड़ी छोटी नियर अबाउट 1.5 मीटर एंड आचर साइड थोड़ी बड़ी होगी। तो सेंटर में आप पहले दो नॉट टाइट कर लें, एकदम टाइट नॉट्स, एंड आप इसे पैंट लेगी या जीन्स में भी वियर कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी लेफ्ट साड़ी का कॉर्नर लूँगी और उसे अपनी लेफ्ट लेग से राउंड करके लाऊँगी क्योंकि हमें इसे पीछे टक इन करना है। तो आप पीछे इस तरह से नाप लें कि कितना फैब्रिक टक इन करने के बाद बचेगा, क्योंकि हम उस फैब्रिक को करेंगे प्लीट्स। तो ये फैब्रिक मैंने नाप लिया, अब हम इसे प्लीट में बना रहे हैं, छोटे छोटे प्लीट्स में, क्योंकि छोटे छोटे प्लीट्स से ये साड़ी थोड़ी बाउंसी दिखेगी। तो हमने छोटे प्लीट्स में बनाया, अब हम इसे प्रॉपरली टक इन कर लेंगे। तो ये फोल्ड्स हटाते हुए साड़ी के हम इसे अच्छे से टक इन करेंगे और बाद में सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। तो अब जो ये कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर हम फ्रंट लेके आएंगे क्योंकि हमें फ्रंट में भी प्लीट्स बनानी है। तो ये हमने टक इन कर ली, अब जितना फैब्रिक बचा है उसे छोटा छोटा प्लीट्स अच्छे से बनाते हुए थोड़ा आप झटका देके अरेंज करें जिससे प्लीट्स थोड़े अच्छे बने, इंटैक्ट रहें, प्रॉपर बने। इसलिए हम इसे अच्छे से अरेंज करेंगे। आप प्लीट्स को अच्छी तरह से अरेंज करिए छोटी छोटी प्लीट्स में एंड देन इसे टक इन करना है। तो मैं सारे फोल्ड्स खोल दे रही हूँ अपनी साड़ी के, जहाँ जहाँ फोल्ड हो रहे हैं, एंड मैं इसे अब टक इन कर ले रही हूँ। और जो साइड की प्लीट्स बनी हैं उसे मैं अपने हाथ से थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी जिससे प्लीट्स और अच्छी उभर कर आए। तो अब हम इसी तरह से करने के बाद जो राइट साइड का पार्ट भी वैसे ही हम करेंगे और इसका राइट लेग से इसे घुमा कर लेके आएंगे और इसका कॉर्नर लेते हुए हम प्लीट्स बनाएंगे क्योंकि अब हमें आंचल बनाना है। तो हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे और पिन से सिक्योर करते हुए बनाएंगे। छोटी प्लीट्स यंग वुमेन पे बहुत अच्छी लगती हैं और मैंने परफेक्ट प्लीट बनाना आपको बताया है इस साड़ी में अपनी दूसरी वीडियो में, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो हम पिन लगा के सिक्योर करेंगे अपनी प्लीट्स को जिससे वो इंटैक्ट रहें और इस तरह से हम अपनी प्लीट्स बना लेंगे। तो हमें प्लीट्स थोड़ी अच्छी बनानी है, छोटी बनानी है और इसमें आँचल थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो आप इस बात का ध्यान दें कि हमें आँचल थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो आँचल को शोल्डर में पिन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है हम उसे पीछे टक इन करेंगे। तो आप आँचल का कॉर्नर लीजिए एंड पीछे जाके आप नाप लीजिए कि कितना फैब्रिक बच रहा है टक इन करने के बाद। उतने फैब्रिक को हम छोटी छोटी प्लीट्स में अरेंज करेंगे जैसे उस साइड की थी हमने, उस तरह से प्लीट्स में हमें अरेंज करना है और उसे टक इन करना है जिससे हम साइड का प्लीट्स जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे साइड की प्लीट्स भी बनी हैं। तो आप जितनी भी साड़ी में फोल्ड्स हैं उसको आप खोल लें अच्छे से, सब अरेंज कर लें। आप अपनी आँचल को अच्छे से अरेंज कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसमें बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर वेस्ट फिट होगा तो लुक ऑल ओवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप पूरी आँचल को एक बार अपने हाथों से अरेंज कर लें एंड पीछे जो हमने लगाया था, टक किया था, उसको भी सिक्योर करने के लिए हम पिन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप ये जो आँचल का पिन है उसे भी चाहें तो ओपन कर सकते हैं। मैं लगाना पसंद करती हूँ पर मैं आपको ओपन भी दिखा रही हूँ। अब इस पिन को आप पीछे जो टक इन किए हैं वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए, लगा लीजिए, जिससे आपके वो प्लीट्स भी नहीं खुलेंगे। और इस तरह से साइड प्लीट्स आई हैं और ये ऑल ओवर लुक है। अगर आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड वापस ज़रूर आएँ। टिल देन बाय।